प्रेगनेंसी और स्तनपान के बाद स्तनों का धीरे धीरे ढीला होना हर महिला की शिकायत होती है। यहाँ हैं कुछ आसान तरीके जिनकी मदद से आप अपने स्तनों को ढीला होने से रोक सकती हैं और उन्हें दोबारा से शेप में ला सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद एक औरत के शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। कुछ परिवर्तन थोड़े समय के लिए होते हैं, वहीं कुछ हमेशा के लिए रह जाते हैं। इन बदलावों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा बदलाव होता है ब्रेस्ट पर। बच्चे को स्तनपान कराने से स्तनों में कुछ समय बाद ढीलापन आना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और सही डाइट के जरिए स्तनों के ढीलेपन से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हैं कुछ ऐसे टिप्स जो घरेलू उपाय हैं, उनकी मदद से आप आसानी से अपने स्तनों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। स्तनपान के दौरान पोस्चर का ध्यान रखें। पहली बार माँ बनी महिलाएं अक्सर स्तनपान कराते समय बच्चे की तरफ ज्यादा झुक जाती हैं। दबाव पड़ने की वजह से स्तन बेडौल हो जाते हैं और उसमें ढीलापन आ जाता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी तकिए की मदद से बच्चे को स्तनपान कराएं ताकि शरीर का पोस्चर सही बना रहे। पहने सही साइज की ब्रा। अक्सर महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग को आसान बनाने के चक्कर में ब्रा पहनना कम कर देती हैं। स्तनों को सही सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से वो लटक जाते हैं। ऐसे में महिलाएं सही साइज की नर्सिंग ब्रा का चुनाव करें ताकि ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता रहे और बच्चे को फीड कराने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एक्सरसाइज। स्तनों को ढीलेपन से बचाने के लिए एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आर्म स्ट्रेच, वॉल पुशअप्स, चेस्ट प्रेस कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसे प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी किया जा सकता है। आप कुछ आसान योगासन और एरोबिक्स भी कर सकती हैं। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अचानक बंद ना करें स्तनपान। कुछ महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग अचानक से बंद कर देती हैं। ऐसा होने के बावजूद भी उनके स्तनों में दूध बनता रहता है और जब दूध निकल जाता है तो वो लटक जाते हैं। स्तनों की चर्बी कम करने के लिए स्तनपान को धीरे धीरे छुड़ाना ही बेहतर होता है। डाइट में शामिल करें पौष्टिक आहार। कुछ रिसर्च के मुताबिक जिन खाने पीने की चीजों में विटामिन बी और ई की मात्रा ज्यादा होती है वो स्तनों का ढीलापन दूर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सेवन से शरीर में हेल्दी टिश्यूज बनते हैं जिससे ब्रेस्ट में कसाव आता है। स्तनों को शेप में रखने के लिए खाने में फैट की मात्रा को कम करें। अपनाएं कुछ घरेलू उपाय। बेहतर शेप और उभार पाने के लिए सरसों के तेल से रोजाना स्तनों की मालिश करें। ब्रेस्ट में कसाव पाने के लिए एक दिन ठंडे और एक दिन गर्म पानी से नहाएं। लेकिन ये वाली विधि अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। आप चाहें तो बर्फ से भी स्तनों की मसाज कर सकती हैं। आप ब्रेस्ट पर अंडा, एलोवेरा और शहद का घोल लगाएं और इसे कुछ देर बाद पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से भी आपके स्तन जो ढीले हो चुके हैं टाइट हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ और भी एक्सरसाइजेस और अपनी डाइट प्लान को निश्चित कर सकते हैं जिससे कि स्तनों के ढीलेपन की समस्या ठीक हो जाती है। क्विक आयुर्वेद में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिखिए ताकि हम आगे अपने वीडियो में उस समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आ सकें। नमस्कार।